कटनी में जबलपुर कमिश्नर ने कलेक्टर में अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। तत्पश्चात जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। दरअसल कटनी जिला अस्पताल हमेशा से सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। हाल ही में जिला अस्पताल की लगातार लापरवाही के मामले सामने आने के बाद जबलपुर संभागीय कमिश्नर अभय वर्मा कटनी पहुंचे और अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में जिला अस्पताल में कम कर्मचारियों को लेकर चर्चा की गई। कमिश्नर ने बताया पीएससी के माध्यम से डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। पैरामेडिकल नर्सेज के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड से परीक्षाएं की जा रही है, जिससे आने वाले समय में स्टाफ की कमी नहीं होगी। जिला अस्पताल का संपूर्ण निरीक्षण करने के बाद इस दौरान मीडिया से बात की। बता दें कि विगत दिनों पूर्व जिला अस्पताल सहित अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं के केस में जहां कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद स्वयं समीक्षा करते हुए समय समय पर जिम्मेदारों को नोटिस जारी करते हैं, तो वही जिला अस्पताल की आंगचूनी वाली घटना पर पत्रकारों द्वारा सवाल करने पर कटनी पहुंचे जबलपुर कमिश्नर द्वारा मीडिया के सामने दो टूक कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जबकि इतनी बड़ी घटना मीडिया की सुर्खियां बन गई और ये सुर्खियां एक आम इंसान तक पहुंच गई, मगर कमिश्नर साहब को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, ये कहकर पल्ला झाड़ दिया और इस घटना के दोषियों पर अभी भी जांच जारी है। प्राइवेट वार्ड होगा तो ठीक है, तो उसे प्राइवेट वार्ड का जब जगह होगा और बनने में समय लग सकता है, लेकिन जब सुविधाएं होगी तो बनेंगे, क्या दिक्कत। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल में जो आग लगी थी उसे जो जांच चल रही थी जिसमें आपसे कलेक्टर साहब ने पत्राचार किया था, उसमें क्या निर्णय हुआ अभी तक? नहीं, मुझे जानकारी है। जस्ट ज्वाइन किया, मुझे जानकारी नहीं। जिला अस्पताल जो कटनी जिला अस्पताल, इसकी एक खासियत है कि यहाँ 5 जिलों के मरीजों का इलाज होता है और बावमुश्किल एक जिले के भी स्टाफ पूरे नहीं है। नहीं, उसी के लिए तो आया है समीक्षा करने के लिए, हम बात कर रहे हैं सीएमएचओ से और दोनों से मेरी बात हुई। कटनी से प्रवीण कुमार पारेश्वर की रिपोर्ट।